नमस्कार, करेंसी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 7 अक्टूबर, कल के सेशन की अगर बात करें तो कल के सेशन में हमने लोअर लेवल से डॉलर में मजबूती आते हुए देखी। हमने डोमेस्टिक मार्केट में भी देखा, यूएसडी आईएनआर 73.60 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया फ्रेश बाइंग के चलते। साथ में हमने यूरो जीबीपी दोनों में ही हमने एक अच्छी खासी बढ़त दी जेपीवाई के साथ साथ। ओवरऑल पूरे काउंटर में हमने फ्रेश बाइंग और शॉर्ट कवरिंग के चलते तेजी का रुख देखा। इंटरनेशनल में भी हमने देखा, जिस ढंग से स्टिमुलस को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई, क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ट्वीट करके कहा कि अब जो स्टिमुलस आएगा वो इलेक्शन के बाद आएगा, जिसके बाद हमने देखा एकाएक कमोडिटी मार्केट में बड़ी गिरावट और करेंसी के अंदर डॉलर में मजबूती लौटती हुई दिखाई दी। एज ऑफ नाउ हमें लगता है डॉलर में तेजी का रुख कायम रहेगा। आज के ओपनिंग की अगर बात करें तो यूएसडी आईएनआर करीबन 73.75 के करीब ओपन होगा और 73.85 तक जा सकता है। बट एज ऑफ नाउ हमने देखा कि आरबीआई की भी पॉलिसी आनी है जो कहीं ना कहीं यूएसडी आईएनआर को एक रेंज में रखेगी। अनलेस एंड अनटिल 74 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, हम 73.20 से लेकर 74 का एक ब्रॉडर रेंज बना हुआ है, इसी रेंज में मार्केट को ट्रेड करते हुए देखेंगे। वहीं यूरो की बात करें, कल के 0.5% की तेजी के बाद डॉलर की तेजी के साथ आज हम वीकनेस के साथ ओपनिंग होते हुए देखेंगे, जो 86.50 के करीब ओपन होता हुआ दिखाई देगा। वहीं जीबीपी आईएनआर की बात करें, कल की तेजी के बाद आज 95 के नीचे ओपन होता हुआ दिखाई देगा। जेपीवाई में नो डाउट कल की जो पॉजिटिवनेस थी आज भी कैरी इन होगा जरूर, बट 70 के ऊपर तोड़ के होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एज ऑफ नाउ जापान से जो सर्विस पीएमआई के आंकड़े आए हैं वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर दे रहा है, बट ओवरऑल 70 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वहीं आज के डेटा पॉइंट की बात करें तो चाइना अभी भी बंद है, जापान से हम बैंक ऑफ जापान की एक स्पीच रहेगी, साथ में यूरो जोन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आने हैं जो थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं, रिटेल सेल्स के आंकड़े आने हैं जो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं, यूएस से आज एफओएमसी मेंबर की स्पीच रहेगी, साथ में एफओएमसी के मीटिंग के मिनट्स आने हैं रात को 11:30 बजे, जिसके चलते हम कल का सेशन काफी वोलेटाइल होते हुए देख पाएंगे। वहीं अगर चार्टिकली अगर हम बात करें तो यूएसडी आईएनआर 2 आवर चार्ट पे 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ने के लिए तैयार है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि आज 73.90 तक यूएसडी आईएनआर जा सकता है। वहीं यूरो आईएनआर की बात करें, ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाने के लिए तैयार है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि आज के सेशन में 86.10 तक का भी लेवल हम यूरो आईएनआर में देख पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में आप तक हम इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी के अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।